मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर विरोध हुआ पिछले कुछ दिनों और लगातार जो है इस मामले को विपक्ष भी उठाते हुए नजर आ रही है। सबसे ज्यादा इस मामले को जो है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सत्याग्रह कर रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतर आई है और अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी से लेकर सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी ने अग्निपथ योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इसी बीच सबकी निगाहें जो थी वो कन्हैया कुमार पर टिकी हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जो है एक युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है और जिस तरह से अब कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अग्निपथ योजना को लेकर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार की नीतियों पर कई सारे सवाल भी उठाए थे और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बात नहीं की थी बल्कि नोटबंदी हो जाए, जिस तरह के फैसले मोदी सरकार ने लिए थे, यहाँ पर कृषि कानून को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, इन सारी चीजों पर जो है कन्हैया कुमार ने सवाल उठाए और यहाँ पर मोदी सरकार पर तंज कसा। लेकिन मुद्दा है अग्निपथ, तो अग्निपथ के मामले को लेकर कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है सरकार भविष्य से, युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर उनका भविष्य जो है खतरे में और अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो है गलत साबित होगी और देश के हित में भी नहीं है ये योजना। लेकिन इस योजना के खिलाफ लगातार जो है प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कन्हैया कुमार का कहना था। उनका कहना था कि देश भर में वो प्रेस वार्ता करेंगे और अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन तब तक छेड़ेंगे तब तक जब तक सरकार जो है इसे वापस ना ले ले। लेकिन अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जो है कन्हैया कुमार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पटना पहुंचे थे। जी हाँ, जहां से इस योजना की शुरुआत हुई, इसके विरोध की शुरुआत हुई, सबसे पहले अग्निपथ का विरोध जो था पटना से ही शुरू हुआ था। यहाँ के युवा जो है सड़कों पर उतर आए, अगजनी हुई और जमकर बवाल भी हुआ अग्निपथ योजना के खिलाफ। और इसी को देखते हुए कन्हैया कुमार ने भी बिहार का रुख किया और यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो है कन्हैया कुमार की पकड़ ज्यादा मानी जाती है और यहाँ पर उन युवा जो है उनके साथ नजर आते हैं ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये सारी चीजें जो है अब गलत साबित होते हुए नजर आ रही है क्योंकि जैसे ही कन्हैया कुमार पटना पहुंचे उनके खिलाफ जो है युवाओं ने जमकर विरोध किया और यहाँ पर मारा पीटी भी हुई, जिसके बाद सभी हैरान रह गए और खुद कन्हैया कुमार को भी इस बात से काफी हैरानी हुई। आपको बता दें कि पटना पहुंचे थे कन्हैया कुमार और वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का विरोध करने गए थे और युवाओं का समर्थन मांगने गए थे कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए युवाओं द्वारा, कन्हैया कुमार गद्दार है, देशद्रोही है, इस तरह के नारे भी कन्हैया कुमार के खिलाफ लगने शुरू है। और तब जाकर देखने को मिला कि जो कन्हैया कुमार के समर्थन में युवा थे और जो उनके विरोध में नारे लगा रहे थे उनके बीच जमकर झड़प हुई, साथ ही कन्हैया कुमार के साथ भी झड़प हुई और उन पर हमला भी हुआ, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी में तहलका मच गया था। आपको बता दें कि इस झड़प के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और इस मामले को शांत किया। लेकिन जिन लोगों ने कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं, कन्हैया कुमार गद्दार हैं, इस तरह के नारे लगाए थे, उनका यही कहना है कि कन्हैया कुमार जो है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, युवाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर युवाओं के लिए आए हैं कन्हैया कुमार, इस तरह की बातें खुद कन्हैया कुमार ने कही थी। वहीं अगर अग्निपथ योजना की बात करें तो युवाओं का कहना था, जिन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध किया था, उनका कहना था वो इस योजना के समर्थन में हैं, वो इस योजना को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और इस वजह से भी कन्हैया कुमार का विरोध किया जा रहा है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को लेकर पटना में बवाल हुआ उसके बाद अब
ये खबर उठ रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस बवाल के पीछे किसका हाथ था। और यहाँ पर सबकी एक बार जो है नजरें बीजेपी की तरफ हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बवाल के पीछे जो है बीजेपी का हाथ हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की साजिश बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस चीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कन्हैया कुमार जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, जिस तरह से उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, इस बात से नाराज थे वहां के युवा, और इस वजह से जो मोदी सरकार को समर्थन देते हैं उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब जिस तरह से यहां पर जनता के सामने कन्हैया कुमार का विरोध हुआ है, यहां पर जिस तरह से जनता ही कन्हैया कुमार के सामने आकर खड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है अब कन्हैया कुमार की बढ़ चुकी है। क्योंकि अपने आप को युवा नेता कहने वाले कन्हैया कुमार आज युवा ही उनके खिलाफ सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है, तो राजनीति भविष्य कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का अब इसके बाद खतरे में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री करवाना चाहती है, और लगातार इसलिए भी बिहार के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार। लेकिन जिस तरह से अभी बिहार की सिचुएशन है, हालात है, जिस तरह से कन्हैया कुमार का विरोध किया गया है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतारा जाए या ना जाए। और दूसरी तरफ यहां पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट हो जाए, अशोक गहलोत हो जाए, प्रियंका गांधी हो जाए, या फिर खुद राहुल गांधी लगातार इस योजना के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या इससे कोई कुछ खासा फर्क जो है केंद्र सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो वापस नहीं लेंगे इस योजना को और ये योजना ऐसे ही चलेगी। और जिस तरह से कन्हैया कुमार लगातार जो है नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए अभी विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ है कन्हैया कुमार के खिलाफ, लेकिन समर्थन भी कन्हैया कुमार के साथ है, और यहाँ पर कई सारे सवाल जो है कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर उठाए हैं। सबसे पहले नोटबंदी की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार का यही कहना है कि नोटबंदी हुई, यहाँ पर मोदी जी ने दावा किया कि सारे काले धन वापस आएंगे, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के बाद पता चल गया कि मोदी सरकार की ये नीति फेल हुई। उसके बाद लॉकडाउन की चर्चा की कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार का कहना था कि लॉकडाउन यहाँ पर सफल साबित होगा, इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन देखा गया कि लॉकडाउन में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई। उसके बाद जिस तरह से कृषि बिल लाया गया, उस वक्त भी किसान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरे, कई किसानों की जाने गई, और यहाँ पर एक बीजेपी के मंत्री के बेटे ने ही किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चला दी, और इस सभी चीजों को लेकर फिर से एक बार कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरा और नरेंद्र मोदी को घेरा, और कहा कि मोदी जी को किसानों ने इतना मजबूर कर दिया कि मोदी जी को जो है वो बिल वापस लेना पड़ा, और यही चीज जो है अब अग्निपथ स्कीम के साथ भी होगी। जो हाँ, यहाँ पर कहा कन्हैया कुमार ने कि अग्निपथ स्कीम जब तक सरकार वापस नहीं ले लेगी तब तक जो है ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। युवाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि उनका भविष्य जो है आज मोदी सरकार खतरे में डाल रही है, पेंशन नहीं दे रही है, 4 साल की नौकरी दे रही है, उन सभी चीजों को लेकर जो है कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, और पूरे देश भर के युवाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश में लग चुके हैं कन्हैया कुमार। लेकिन पटना में जिस तरह से कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हुआ है, उससे मुश्किलें काफी कन्हैया कुमार की बढ़ गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद भी क्या कन्हैया कुमार इस स्कीम के वापसी पर टिके रहते हैं या नहीं, और क्या कन्हैया कुमार के ऊपर जो हमला हुआ है, जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।